हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे सुनीता तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जो कि बात करता है बैन ऑन फीमेल जेंटल म्यूटिलेशन के बारे में। दोस्तों, ये केस तीसरा केस है सबरीमाला रिव्यू पिटीशन से जुड़ा हुआ, जो कि सबरीमाला इशू में जो पिटीशन फाइल की गई है। जो तीनों केसेस मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोज में, वो तीनों केसेस उस पर्टिकुलर रिव्यू पिटीशन के अंदर, जो कि 7 जज बेंच बनी है उसके अंदर डिसाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो सबरीमाला इशू है वो भी उस पर्टिकुलर केस में डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए जरूरी था कि हम लोग वो तीनों वीडियो साथ में देखें और उसके बाद ही जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा आप उसको समझ पाएंगे ठीक से। तो ये वीडियो उस पर्टिकुलर सीरीज का लास्ट वीडियो। अब इस केस को चलिए समझते हैं। इस केस के अंदर एक 3 जज बेंच थी, जिसमें कि जस्टिस खानविलकर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस दीपक मिश्रा थे। यहाँ पे कोर्ट को बेसिकली ये डिसाइड करना था कि क्या जो फीमेल सर्कमसीजन की प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस बैन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और उसको कहा जाता है खतना। इन पर्टिकुलर उन्होंने ये कहा कि जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है, जो कि एक सेक्ट है शिया कम्युनिटी का मुस्लिम्स में, क्या उसके अंदर सर्कमसीजन होता है वुमेन का, क्या वो चीज़ सही है या फिर नहीं। अब चलिए इस केस के फैक्ट्स की ओर आते हैं। जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है उनके अंदर फीमेल सर्कमसीजन फॉलो किया जाता है। 6 से 7 साल के जो बच्चियां होती, छोटी बच्चियां, उसको वो लोग खतना बोलते हैं, जहाँ पे वो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो कि जेनिटेलिया होता है उसका, या तो थोड़ा सा पार्ट या फिर काफ़ी हद तक उसको आप सब्सटैंशली कह सकते हो, उसको वो लोग रिमूव कर देते हैं। इंडिया के अंदर ये दाऊदी बोहरा के अंदर काफ़ी वाइडली प्रैक्टिस की जाती है, जो कि मैंने जैसे कहा शिया मुस्लिम्स का एक उनमें कम्युनिटी है। और ये जो प्रैक्टिस है इसका मेन एम है जो फीमेल होती है उसकी सेक्सुअलिटी को और उसके सेक्सुअल डिजायर्स को रेगुलेट करना, उसको मॉडरेट करने के लिए बेसिकली इसका जो एम होता है वो होता है। अब चलिए ये देखते हैं कि जो पिटीशन इसमें फाइल की गई है उसमें क्या क्या आर्गुमेंट दिए गए थे दोनों साइड की तरफ से। पहले ये बात करते हैं कि इस बैन के फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट दिए गए। तो ये जो पूरा वो था, पिटीशन था, ये मिसेस सुनीता तिवारी ने फाइल किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट है जो कि ह्यूमन राइट्स के में डील करती है। उन्होंने ये कहा कि जो बैन है उसको हम लोग को लगा देना चाहिए, और उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि जो ये प्रैक्टिस है ये फीमेल जेंडर जेनिटल म्यूटिलेशन से काफ़ी हद तक टाइड है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन दोस्तों एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन को आगे जाके उनकी लाइफ में, जो कि बचपन में अगर उनकी जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको अगर वो आप म्यूटिलेट करते हैं तब। उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि जो प्रैक्टिस है ये डिस्क्रिमिनेटोरी है वुमेन के अगेंस्ट। ये जो दाऊदी बोहरा वुमेन है उनके राइट टू इक्वालिटी को, राइट टू प्राइवेसी को और राइट टू पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है। मिसेस तिवारी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट को उन्होंने वहाँ पे लाइट में रखा। उन्होंने कहा कि जो FMCG है उसको एक ग्रॉस वायलेशन माना गया है ह्यूमन राइट्स के रिलेशन में इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, कि उनका एक ग्रॉस वायलेशन होता है। उन्होंने फर्दर ये कहा कि जो फंडामेंटल गारंटी है UDHR के अंदर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर, वो भी जो है इससे वायलेट होती है। उन्होंने कहा कि जो FGM है वो एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है, क्योंकि वो इन्फेक्शंस, चाइल्ड बर्थ, मतलब कि जब उनका लाइक बच्चा पैदा होने वाला होता है उस टाइम जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है उससे साथ रिलेट कर सकता है, या फिर जो अलग फिजिकल इम्पेयरमेंट्स होती है जो उनको हो सकता है वो उसके हद तक, काफ़ी हद तक हेल्थ कंसर्न्स पैदा कर सकता है। 2012 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जिन्होंने उसमें एलिमिनेशन ऑफ FMG फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की उन्होंने बात कही। उसके बाद एक दूसरे जो पिटिशनर थे मिस्टर दीवान, उन्होंने कहा कि जो FMG है वो वायलेटिव है सेक्शन 3B ऑफ द पॉस्को एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट का। उसमें उन्होंने कहा कि ये एक पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट है बेसिकली। उन्होंने कहा कोई भी एक्ट जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी चाइल्ड के वजाइना में, अगर मान लीजिए आप पेनिट्रेटिव, उसमें पेनिट्रेटिव असॉल्ट उसको माना जाएगा। उन्होंने बेसिकली ये कहा है उस चीज़, उन्होंने उस चीज़ को उससे रिलेट किया है। जस्टिस मिश्रा ने इस चीज़ को सेक्शन 3B को कहा कि वो चीज़ जेंडर न्यूट्रल एक तरीके से। मिस्टर दीवार ने फर्दर ये आर्ग्यू करा कि जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है जो आउटसाइड, मतलब जो उस कम्युनिटी का पार्ट आउटसाइड इंडिया है वहाँ पर ये चीज़ इलीगल प्रैक्टिस है। उन्होंने दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी थी उन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, कैनेडा है, वहाँ पर जितनी भी ये सब चीज़ें हैं कि वो सब इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है, केवल इंडिया के अंदर ही ऐसा है कि ये चीज़ लीगल है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के अंदर। उन्होंने कोर्ट से ये अर्ज करा कि वो FMG को जो है वो लोग क्रिमिनलाइज करें
और ये एनकरेज करें कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो इस प्रैक्टिस को डिस्कार्ड करें अपने रिलीजियस जो उनका मैंडेट होता है उसमें से। मिस्टर दीवान ने फिर ये भी बोला कि जो वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज है वो FMG को टोटली प्रोहिबिट करती हैं, और जो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है जो कि पॉस्को जिससे कि पॉस्को इंस्पायर्ड है वो भी इसको मना करता है, और जो UN रेजोल्यूशन लिया गया था वो भी उस चीज़ को वो करता है। फिर काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे FMG बैंड है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, बट इंडिया में एज सच इसको लेकर कोई स्पेसिफिक लॉ बना नहीं है। अब चलिए बात करते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो कि पार्टीज ने इसके अगेंस्ट में दिए थे। जो पहला आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जो दाऊदी वोहरा कम्युनिटी है वो इस पूरे चीज़ को ये मानती है कि वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 6 का वायलेशन है, क्योंकि उनके पास ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो स्टेट है उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा क्लेम है ये डिस्क्रिमिनेटोरी है वुमेन के अगेंस्ट में, क्योंकि दोनों मेन और वुमेन दोनों का सर्कमसीजन बराबर तरीके से होता है उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, और ये केवल वुमेन के लिए ये बोलना कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटोरी होगा। जो मिस्टर AM सिंघवी हैं जो कि लॉयर थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इस कम्युनिटी को, उनका कहना था कि जो वर्ड है FMG फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन वो कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं है कम्युनिटी के प्रैक्टिस से, क्योंकि ये जो वर्ड है उसका और इस पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस है उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फीमेल सर्कमसीजन है वो एक सेफ तरीके से और नॉन म्यूटिलेटिंग प्रैक्टिस से किया जाता है दाऊदी वोहराज के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि जो दाऊदी वोहराज हैं वो लोग एक मतलब एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर अपनाते हैं जो कि बेसिकली FMG के अंडर आता नहीं है, जो कि क्राइटेरिया को फिट नहीं करता है। उन्होंने ये कहा कि जो रेलिवेंस होती है WHO की रिपोर्ट की जो कि FMG के बारे में बात करती है वो बेसिकली ये बोलती है कि FMG को आपको ख़त्म करना है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को, लेकिन सर्कमसीजन को नहीं। सर्कमसीजन जो है वो एक दूसरी चीज़ है और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है डिफरेंट चीज़ है। इन लोगों का ये आर्गूमेंट था। फिर 24 सितंबर 2018 को जो डिवीजन बेंच होती है वो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास रेफर करती है, और ये नेसेसिटेट करती है कि जो ये फीमेल सर्कमसीजन है वो एक एसेंशियल रिलीजियस बेसिकली प्रैक्टिस है, वो ये कहते हैं। अब चलिए ये बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इशूज़ हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। सबसे पहला इशू है कि क्या ये जो प्रैक्टिस है वो राइट टू लाइफ और बॉडली ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स को वायलेट करता है कि नहीं, और ये पूरी चीज़ आर्टिकल 21 के वायलेटिव है या फिर नहीं। फिर जो दूसरा इशू है उसके अंदर वो ये है कि क्या जो प्रैक्टिस है फीमेल सर्कमसीजन का वो क्या जो गर्ल्स होती है जिनके ऊपर ये प्रोसीजर किया जाता है क्या उनके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, क्योंकि ये चीज़ उनके बिना कंसेंट के की गई है। फिर जो तीसरा इशू है वो ये है क्या ये जो प्रैक्टिस है ये डिस्क्रिमिनेट करती है गर्ल्स या वुमेन के अगेंस्ट में, क्योंकि उनका आर्टिकल 14 और 15 वायलेट करती है। और जो आखिरी इशू है वो ये है कि क्या ये प्रैक्टिस प्रोटेक्टेड है रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 25 और 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। दोस्तों जो कि ये केस अब सबरीमाला के अंदर जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म हुई है उसके पास अब ये केस है, तो हम लोग ये देख लेते हैं इस केस में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो कि इसकी प्रोसीडिंग के दौरान हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं 24 सितंबर 2018 के बारे में। उस दिन कोर्ट ने इस पूरे मैटर को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर मुतुल रोहतगी जो दाऊदी वोहरा कम्युनिटी का काउंसिल्स थे उनके उस पर, और अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल के कहने के ऊपर। कोर्ट ने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दोस्तों है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सबरीमाला बेंच है उसके पहले एक और बेंच थी जो कि जिसको कि इस केस में रेफर किया जिसके बारे में आगे बात करूंगा। ये उस बेंच ने बेसिकली इस केस को भेजा गया था। उसके बाद एक प्रीवियस हियरिंग में मिस्टर AM सिंघवी ने ये आर्ग्यू किया था कि जो फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने ये स्टेट करा कि जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि दाऊदी वोहरा कम्युनिटी के लिए पूरी चीज़ एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ही सुना जाना चाहिए। और उन्होंने सरदार सिनायदा का जो केस है उसको उन्होंने बेसिकली रेफर करा जो कि 1960s में केस आया था जिसमें कि दाऊदी वोहरा कम्युनिटी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि अगर एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ही सुना जाना चाहिए। और इसके अंदर मिस्टर KK वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल हैं और मिस्टर रोहतगी ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म की जाए। मिस्टर रोहतगी ने कहा कि जो एक लीगैलिटी की बात है फीमेल सर्कमसीजन प्रैक्टिसेस की वो एक बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है दाऊदी वोहराज के लिए और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ही सुना जाना चाहिए।
फिर जो काउंसिल थे जो कि इस बैन के बेसिकली बैन को अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी नीड नहीं थी कि आपको जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा सुना जाए। उनका बेसिकली ये कहना था कि ये जो पूरा केस है इसको आपको जो बेंच फॉर्म हुई है 3 जजेस की उन्हीं को इस चीज को सुन लेना चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही एसेंशियल बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता है। और एक प्रीवियस हियरिंग में मिसिज इंदिरा जयसिंह जो कि काउंसिल थी इस पूरे केस में, उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर आपको जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म करने की। उन्होंने ये कहा कि वो वेट करे, जो मतलब बेंच है 3 जजेस की, वो वेट करे सबरीमाला एंट्री केस जो जजमेंट आने वाला था उस टाइम पे, सबरीमाला इंडिया यंग्स लॉ एसोसिएशन वाला, उस केस के लिए वो वेट करे। और उन्होंने ये कहा कि जो सबरीमाला इशू है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करेगा इस पर्टिकुलर इशू के लिए, कि उस केस में जो होगा उसका इफेक्ट इसके ऊपर ही पड़ेगा। बट कोर्ट ने कहा कि इस चीज को हम लोग को बेंच को रेफर करना ही पड़ेगा। उसके बाद 15 नवंबर 2019 को एक 5 जजेस बेंच के पास ये केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजेस बेंच थी जिसको कि हेड करते थे जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने ये रिकमेंड करा कि जो दाऊदी बोहरा कमेटी है और ये जो पूरा केस है इसको एक 7 जजेस बेंच के पास रेफर किया जाए, और उसको जो है और जितने और इश्यूज हैं जैसे कि वुमेन्स राइट टू प्रे और बाकी जितने और इश्यूज हैं उनके साथ इसको सुना जाए, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा क्वेश्चन है वो ये है कि द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स टू ट्रेड ऑन द क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज एसेंशियल टू अ रिलीजन और अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन, ये मेन है दोस्तों। इसके ऊपर कोर्ट को डिसाइड करना है, इसीलिए जो तीनों इश्यूज हैं और जो सबरीमाला इशू है वो एक साथ कोर्ट जो है सुनेगी सबरीमाला इशू के, सबरीमाला रिव्यू केस में। जो 5 जजेस बेंच थी उसका रंजन गोगोई जस्टिस ने वो किया था, और उन्होंने 3-2 मेजोरिटी से ये जो रिव्यू पिटीशंस थी उनको सबरीमाला के उसमें अगेंस्ट में उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि फॉर वन जो रेफरेंस है वो एक लार्जर बेंच को प्रेडिकेट होना चाहिए, और जो कि रिलीजियस इशू है उन्होंने ये कहा कि जो FMG है उसमें जो है ये पूरी चीज एक कल्चरल इशू है बेसिकली, वो है नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो इशू है राइट्स का, जेंडर बेस्ड वायलेंस का, और ये सब जो एक्ट ऑफ क्राइम है ये बेसिकली इसके अंदर मेन है, यहाँ पे ये एक कल्चरल इशू तो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने बेसिकली ये कहा। उन्होंने फिर ये जो रेफरेंस था उन्होंने कहा कि एक लार्जर बेंच के पास जाना चाहिए, और उन्होंने ये चीज होप करी कि जो एक 7 जजेस बेंच है वो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से सुनेंगे, और इस चीज को पूरी तरीके से जो है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि ये चीज होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों ये जो वीडियो थी ये सबरीमाला इशू के ऊपर जो मेरी वीडियो की सीरीज है उसकी ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। मैं कल अब एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि जो मेन अभी केस चल रहा है सबरीमाला रिव्यू पिटीशन का, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और उस केस को डिस्कस करने से पहले मुझे लगा कि हम लोग को जितने भी इश्यूज हैं जो इसके अंदर उठाए गए हैं उनको हमें समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये पूरी सीरीज ऑफ केसेस बनाई है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है या फिर उसके आगे जो मैं और वीडियोस बनाऊंगा उसके ऊपर भी आपको जब देखना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और फर्दर अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को सर्कुलेट करिए ताकि जो क्लैट PG एग्जाम होने वाले हैं उनको भी उस चीज़ का फायदा हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।